देश में महिलाओं के साथ बढ़ रही हिंसक की घटनाओं के विरोध में चलाई गई यात्रा अभियान का जत्था कश्मीर से होता हुआ देर शाम को मंडी पहुंचा। इस जत्थे में लगभग 50 लोग शामिल हैं। ये जत्था जगह जगह जाकर महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की रोकथाम की मांग को लेकर महिलाओं को जागरूक कर रहा है और साथ ही महिलाओं को संगठित भी कर रहा है। मंडी में भी इस जत्थे ने शहर के सेरी मंच तक एक रैली निकाली और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की। मंडी में बातें अमन की जत्थे को महिलाओं के साथ साथ आम लोगों का भी समर्थन देखने को मिला। जत्थे की संयोजक व भारतीय महिला फेडरेशन की राष्ट्रीय सचिव कमलजीत ढिल्लन ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बीते 3-4 वर्षों में देश में महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों में लगातार इजाफा हो रहा है और इसी के चलते इस प्रकार पूरे देश में जाकर महिलाओं को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पूरे देश में इस प्रकार के 5 जत्थे अलग अलग राज्यों में भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि उनका जत्था कश्मीर से चला है जो हिमाचल, पंजाब, हरियाणा होता हुआ दिल्ली जाएगा। ढिल्लन ने बताया कि ये अभियान 22 सितंबर से 13 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें पूरे देश का भ्रमण कर महिलाओं को संगठित करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकार से महिलाओं के लिए संपूर्ण सुरक्षा मुहैया करवाना है, ताकि आए दिन महिलाओं के साथ किसी प्रकार की कोई हिंसा न हो और महिलाएं पूरी आजादी के साथ अपना जीवन यापन कर सकें। ये 5 यात्राएं हैं और हर यात्रा में 5-6-7 स्टेट हम कवर कर रहे हैं और जगह जगह रैलियां हो रही हैं। ये इसलिए है कि औरतों के ऊपर इन दिनों में, खास करके 3-4 सालों में, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस, रेप जो हो रहे हैं उसको बंद करें और औरतें जो है अमन चाहती हैं। औरतें अपने संविधान का हिस्सा है, क्योंकि संविधान की अनदेखी हो रही है और कोई भी औरत सेफ नहीं है। और औरतें जो चाहती हैं कि अमन हो, शांति हो, ताकि हमारे बच्चे जो है, हमारी बेटियां जो है, इस जो खुशी का माहौल है, जो शांति का माहौल है, उसमें बढ़ सके।